सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस कब है, धनतेरस में किस दिन खरीदारी करें। अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं या किचन का कोई सामान खरीदना है तो आपके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा, आप किस शुभ मुहूर्त में इन सामान को खरीदेंगे, ए टू जेड काज की तरह सही टाइमिंग हम बताने वाले हैं एकदम क्लियर। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि काशी के ज्योतिषियों से जाना गया है समय वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप शुभ समय में ही सामान खरीदिए। अगर आप धनतेरस और दिवाली पे सामान खरीद ही रहे हैं तो शुभ मुहूर्त ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो आइए जानते हैं पूरा अपडेट, बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हम 29 तारीख को धनतेरस मनाएं या 30 अक्टूबर। पहले अपना कंफ्यूजन दूर रखें, धनतेरस 29 अक्टूबर को रहेगा। अब दिवाली 5 दिन तक मनाई जाती है। पहला दिन होता है धनतेरस का, धनवंतरी जी की पूजा होती है, लोग नए नए सामान खरीदते हैं अपने जरूरत के। बहुत सारे लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बहुत सारे लोग इस दिन वाहन खरीदते हैं, कुछ लोग तो घर मकान और फ्लैट भी खरीदते हैं, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति वैसे खरीदे, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही खरीदे। अगर आप एक छोटा सा चम्मच भी खरीद रहे हैं तो उसका भी शुभ मुहूर्त हम बताएंगे, बने रहिए अंत तक। दिवाली या दीपावली का त्यौहार 5 दिन होता है और त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है। अब क्या क्या खरीदना चाहिए पहले इसको जान लीजिए। धनतेरस के दिन रसोई की चीजें खरीदी जाती हैं, लेकिन ध्यान ये दीजिए कि इस दिन नुकीली चीज चाकू कैंची वगैरह न खरीदे। उन चीजों को खरीदिए जो हमारे धन और यश को बढ़ाते हैं। जैसे आप धनतेरस के दिन धनिया खरीद सकते हैं, खड़ी धनिया इस दिन बहुत बिकने वाली है। खड़ी धनिया आप खरीदिएगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हालांकि जो कुछ भी सामान आप धनतेरस के दिन खरीद रहे हैं दीपावली के दिन पूजा के समय उसको जरूर वहाँ पे रखिए और पूजा करिएगा। धनतेरस के दिन लोग नमक खरीदते हैं, धनतेरस के दिन लोग झाड़ू खरीदते हैं, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदा जाता है, धनतेरस के दिन सोना चांदी और तांबे के सामान खरीदे जाते हैं, मछली चांदी की खरीदी जाती है, कछुआ चांदी का खरीदा जाता है। धनतेरस पर आप लक्ष्मी कमल और कुबेर का पौधा खरीद कर भी लगा सकते हैं। तो ये चीजें थी खरीदने की, लेकिन आप ये सामान न खरीदें, जैसे लोहे का बर्तन, कांच के सामान मत खरीदिए, नुकीली चीज, तेल या प्लास्टिक धनतेरस के दिन बिल्कुल ना ले, काले कपड़े ना ले, जूते ना खरीदे, ये सब चीजें छोड़ दीजिएगा, इस दिन मत लीजिएगा, बाकी सामान आप ले सकते हैं। तो अगर आप धनतेरस पर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बार 2 दिन तक आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त कुछ समयों के लिए होगा। तो पंचांग अनुसार धनतेरस पर कार खरीदने के लिए 29 अक्टूबर को मंगलवार में 4 शुभ मुहूर्त हो रहे हैं, लेकिन आप 10 बजे के बाद ही खरीदारी करिएगा। जी हाँ, 9:32 से 10:58 तक शुभ समय है, लेकिन 10 बजे के बाद ही अगर आप चाहे तो वाहन खरीदेंगे वो बेहद शुभ होगा। इसके साथ ही आप 7:43 शाम से लेकर 9:17 के आसपास कार या किसी अन्य वाहन को खरीदिएगा, ये 2 शुभ मुहूर्त बेहद खास है। लेकिन दोस्तों, धनतेरस के दिन इन कुबेर मंत्रों को जरूर आप जाप करिएगा, पैसों से भर जाती है तिजोरी, आपको हम मंत्र बताने वाले हैं। कुबेर धन प्राप्ति का मंत्र भी बोलिएगा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्त स्वराय नमः। कुबेर अष्टलक्ष्मी का मंत्र जरूर पढ़िएगा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। इसका जाप जरूर करिएगा, बड़ा फर्क पड़ता है लक्ष्मी के आगमन में। लेकिन सोना चांदी, फ्लैट मकान धनतेरस पर कब खरीदे, काशी के ज्योतिषचार ने जो समय दिया है अब उसे देख लीजिए। देखिए, सोना चांदी या फिर कोई कीमती सामान खरीदना है तो दोपहर 2:20 से लेकर शाम 6:57 शुभ समय है, आप उसी समय खरीदिएगा। अगर फ्लैट मकान वगैरह खरीद रहे हैं तो आपको बता दें, 10:15 से दोपहर 3:32 के आसपास ये सामान खरीद लीजिएगा। इसके अलावा बर्तन, इलेक्ट्रिक सामान वगैरह भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खरीदारी कर लीजिएगा। यानी आपके पास काफी समय होगा जब आप खरीदारी कर पाएंगे, चाहे सोना चांदी खरीदना हो, मकान फ्लैट खरीदना हो या खरीदारी करनी हो किसी वाहन की, कार और बाइक की। मैंने सही समय शुभ मुहूर्त बता दिया है जो आपकी मदद करेगा, आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए भाग्योदय बनाएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो में कोई कंफ्यूजन बना हो तो कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, उसमें सुझाव जरूर देंगे। सो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।